महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या तारखा अद्याप घोषित झालेल्या नाहीत, मात्र त्यापूर्वीच नागपुरात भाजप काँग्रेसमध्ये राजकीय राड्याला सुरुवात झाली आहे. काल नागपुरात भाजपचे प्रभाग क्रमांक 1 मधील नगरसेवक आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे विकी कुकरेजा यांच्या कार्यालयात काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी तोडफोड केली होती. प्रभागातील विविध समस्या सोडवण्यासाठी निवेदन देण्यासाठी आलेल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी ही तोडफोड केल्याचा आरोप कुकरेजा यांच्यातर्फे करण्यात आलेला आहे. आपल्या प्रभागातील समस्यांचे निवेदन घेऊन गेलेल्या काँग्रेसच्या महिला कार्यकर्त्यांना जातीवाचक शिवीगाळ करून कुकरेजा यांनी त्यांच्या कार्यालयातून हाकलून लावले असल्याचा आरोप करत नागपुरातील जरीपटका पोलीस स्थानकामध्ये महिलांनी धाव घेतली. तेच कुकरेजा यांनी काँग्रेसवर आपल्या कार्यालयातील सामानाची तोडफोड केल्याप्रकरणी कारवाईची मागणी केली आहे. काँग्रेसचे कार्यकर्ताओने भाजप के कार्यालय में जाना चाहिए कि कांग्रेस के नेता के पास जाना चाहिए, और कितने बार आकर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना चाहिए. एक चेंबर अगर भर गया, उसका पानी ओवरफ्लो हो रहा, उस पर वीडियो बनते हैं क्या जी? और कांग्रेस के पालक मंत्री समता नगर के अंदर की जो चर्चा हो रही, महेंद्र जी जरा वो भी कागज एक सबको भेज देंगे क्या? समता नगर के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने, हमारे माने साहब ने कितना काम किया, इसका अड़वा हम लेके आए हैं. और हम कहेंगे कांग्रेस के पालक मंत्री है, 15 साल यहाँ पर मंत्री रहे, अभी 2.5 साल से पालक मंत्री करके काम कर रहे हैं. समता नगर में काम करना किसकी जवाबदारी है? ये क्या नागपुर महानगर पालिका का क्षेत्र है क्या? ये नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का क्षेत्र है, उनका डेवलपमेंट वहाँ पर दिखाना चाहिए उनको जो है. लेकिन सिर्फ राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आना, पुलिस ने उनको समझाने के बाद भी बार बार यही धंधे करना, जाए ना अपने पालक मंत्री क्या, एक्चुअली वहाँ के डेवलपमेंट का काम भी उनका है, फिर भी सिर्फ महिलाओं को बरगला कर या कांग्रेस की महिलाओं कार्यकर्ताओं को लेकर, या मेरा तो स्पष्ट आरोप है भाड़े की महिलाओं को लाकर, इस तरीके से अगर एक राजनीतिक षड्यंत्र दिखाने का काम करेंगे उनके क्षेत्र में. हर जगह पर जहाँ हमारे माने साहब ने काम किया, हमने समता नगर में काम किया, सिर्फ सोशल मीडिया पर चलाने का है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है. तो वीडियो बंद नहीं करेंगे तो चालू करेंगे क्या? लेकिन ये तो उन्होंने हमारे जो वहाँ पर बैठे हुए कार्यकर्ता, उन्होंने जो बताया होगा, लेकिन उसके बाद भी क्या? मैंने आपको बताया, जैसे उनको ध्यान में आया कि आज हमारा सोशल मीडिया का कार्यक्रम फ्लॉप हो जाएगा, ताबड़तोब यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता अचानक से आना, क्योंकि हमारा बाजू में भूमि पूजन था, उसको इग्नोर करते अभी भगना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ गई. आज हमारे को पूछा जाएगा, वैसे क्या 3 लोग बैठे रहते कार्यालय में, उनको पूछा पूछी करके निकल जाने का है, और वो लोग कोई 2-3 लोगों की संख्या में नहीं जाते, 4 लोग मोबाइल लेकर आते, एक हमारे छज्जे पे चढ़ जाता, एक सीढ़ी पे चढ़ जाता, एक कुर्सी के ऊपर में खड़ा हो जाता. किसी नगर सेवक के कार्यालय के अंदर में इस तरीके से आने का कोई तरीका है क्या? आम नागरिक आए ना जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए हमारा जो कार्यालय है वो अखाड़ा नहीं है कि आकर कुछ भी करके जाएंगे. हम उनको कोई फूलमाला नहीं पहनाने वाले, लेकिन निश्चित तौर पर प्यार मोहब्बत से बातचीत की है. वही वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसके पूर्व चर्चा प्यार मोहब्बत से चालू है, लेकिन पीछे से कांग्रेस की पुशिंग हो रही, अभी तुम बोलो, अभी तुम बोलो. और किस एरिया के लिए? जहाँ पर नागपुर महानगर पालिका काम नहीं कर सकती, जिनकी सरकार है नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, उनका काम है वहाँ पर काम करना, वहाँ न जाते हुए जबरदस्ती बीजेपी के कार्यालय में आए, इसका विरोध. जरीपटका परिसरात भाजप नगरसेवक वीरेंद्र कुकरेजा यांच्या कार्यालयात झालेल्या तोडफोड आणि राडा प्रकरणी पोलिसांनी दोन्ही पक्षाविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. तर मोर्चाच्या स्वरूपात कुकरेजा यांच्या कार्यालयात काँग्रेस नेता बाबू खानसोबत आलेल्या महिलांसोबत अभद्र व्यवहार करत त्यांना धक्काबुक्की केल्याप्रकरणी भाजप नेते वीरेंद्र कुकरेजा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधात मारहाण, विनयभंग आणि अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मला काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचे फोन आले की इथे अशी घटना घडली आणि शहराचा अध्यक्ष या नात्याने मी जरीपटका पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो होतो. मला वाटते की कोणत्याही जनप्रतिनिधीकडे जी जनता त्यांना मतं देते, निवडून देते आणि आपलं कामं सांगण्यासाठी जाण्याचा अधिकार आहे, आणि अशा वेळेस त्या ठिकाणी तिथली परिस्थिती नियंत्रणात राहणं, तिथली परिस्थितीमुळे कुठे भांडण होणं हे प्रश्न उद्भवतच असतात, परंतु या सर्वांवर कंट्रोल करण्याचं कार्य जो जनप्रतिनिधी असतो त्याचं असतो.
मला वाटते त्या भागातील जनता इथे या चार महिला आहेत आणि बाबू गाणे सगळे गेले होते आणि त्या ठिकाणी झालेला प्रकार अत्यंत दुर्दैवी आहे आणि हे लोक सांगतात की यांना मारहाण झाली, ते लोक सांगतात त्यांना मारहाण झाली. मी पोलीस स्टेशनमध्ये गेलो तेव्हा दोन्ही पक्ष तिथे होते आणि अशा वेळेस मला वाटतं की पोलिसांची भूमिका ही नेहमी आरोपी कोण आहे या शोधण्यासाठी असावी आणि पोलिसांनी यामध्ये तपास करावा. जर महिलांवर जर कोणी हात उचलत असेल ज्या